समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं अखिलेश को, कोई सड़क छाप नेता ही होगा जो सूबे की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। कोई छुट भैया नेता ही होगा जो योगी के पुलिस पर सपा के लिए काम करने का संगीन इल्जाम आयद करेगा। सुनिए खुद को बीजेपी नेता बताने वाले की जुबान सुनिए। झंडा देख के गाड़ी रोक रहा है, देख के गाड़ी रोक रहा है। नहीं बिल्कुल, अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, इसे जाऊंगा नहीं। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं ले अखिलेश को, नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग दिखवाइए, चेक करो ना मोबाइल। पुलिस वाले वर्दी में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे तब भी इस गालीबाज नेता सलीके से सर सर बोलकर समझा रहे थे, लेकिन सिर पर नेता होने का गुरूर चढ़ा था तो गुनाह ये कर डाला कि पुलिस को काम करने में बाधा पहुंचाई, फिर पुलिस वालों को धमकी दी, सपा के लिए काम करने का इल्जाम लगाया, नेता का एक साथी पुलिस वाले का मोबाइल छीनने लगा और इसने तब हद पार कर दी जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए बेहुदा अंदाज में भद्दी गाली दी। झंडा देख के गाड़ी रोक रहा है, देख के गाड़ी रोक रहा है। नहीं बिल्कुल, अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, इसे जाऊंगा नहीं। झंडा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं ले अखिलेश को, खुद को बीजेपी नेता बताने वाले इस गालीबाज की तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ, सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ मौजूद है। इस बीजेपी नेता की पहचान बीजेपी दक्षिण जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी के तौर पर हुई है। अब पूरी कहानी जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या। कानपुर में दीप टॉकीज तिराहे पर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी, इस दौरान इस कथित बीजेपी नेता का हूटर उतारने पर ये आग बबूला हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सपाइयों ने बीजेपी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंप कर बीजेपी नेता पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर ने आज पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन इस बात का दिया है कि विगत दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का कथाकथित नेता शैलेंद्र त्रिपाठी को है, उसने डबल हुटर लगाया था। गोविंद नगर इंस्पेक्टर ने उसकी गाड़ी रोकी, उसने पुलिस से इंस्पेक्टर से बदतमीजी की। माननीय अखिलेश यादव जी के और जो पूर्व मुख्यमंत्रियों करंट सांसद हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, उनको गाली बकी, जिसके समाजवादी पार्टी कानपुर के कार्यकर्ताओं में रोष था, जिसको लेकर आज हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन उन्होंने ही दिया है, गिरफ्तारी की है, जिन्होंने कर रहे हैं वो जांच कर, जो भी सही होगा। इधर सपाइयों के गुस्से के बाद एडीसीपी साउथ अंकिता शर्मा का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे वीडियो को चेक कर रही हैं। थाना गोविंद नगर क्षेत्र का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ अभद्रता की जा रही है। इसमें इस वीडियो के अलावा कुछ और भी वीडियो साथ में आए हैं, जिसकी गहनता से जांच एसीपी बाबू पूर्वा के द्वारा की जा रही है, एवं आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस भी देखे जा रहे हैं, एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। हालांकि पुलिस अपने काम में जुटी है, मुमकिन हो जल्द से जल्द कोई बड़ा एक्शन भी हो, लेकिन अपने नेता के खिलाफ सपा नेताओं को कार्रवाई से कम कुछ भी नहीं चाहिए। एक सवाल हुटर, अवैध हुटर, नाम पट्टिकाओं पर मैंने कई बार विधानसभा में सवाल लगाए हैं, हर बार सरकार ने गोलमोल जवाब दिए हैं, पर इस बार सरकार ने सचमुच में प्रभावी कार्रवाई अमल में लाना चाहा तो भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेता उसकी राह में रोड़ा बन गए। और एक मिसाल कायम कर दी लखनऊ वालों ने,
जब प्रवक्ता की गाड़ी को हुटा हटवाने में दरोगा से बसलूकी करी गई और दरोगा को ही लानाजीर कर दिया गया, तो उससे भाजपा के नेताओं के मन बढ़ गए हैं और ये मन बढ़े और अहंकारी नेता लगातार सरकार की और मुख्यमंत्री के आदेशों को परिता लगाने का काम कर रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश भर में वीआईपी कल्चर खत्म करने के आदेश के बाद जब पुलिस सड़क पर उनके आदेशों का पालन कर रही है, तो ऐसे में उनकी ही पार्टी के नेताओं द्वारा ऐसा कृत किया जाएगा तो न सिर्फ पुलिस का मनोबल टूटेगा, आम जनता भी खुद ठगा महसूस करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।